हाय, कैसे हो माय डियर ऑल लवली फैंस। आपके आप सब ठीक होंगे, मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो कैसे अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखा तो कैसे आपको पता होगा कि यहाँ पर मैंने क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कोई भी अपडेट आ जाता है, कोई भी हिंट आ जाता है, मैं वो अंदर सबसे पहले मेरा टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर CRB कॉइन के अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट करवाया था, यहाँ पर जो CRB कॉइन के अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट करवाया था 248 रुपीज़ पर, लेकिन आज के दिन में यहाँ पर जो CRB कॉइन का जो प्राइस है 278 रुपीज़ पर जाके हिट किया। तो इस कॉइन के अंदर जो जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था तो वो लोगों को आज के दिन में यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है। और भी अच्छे अच्छे कॉइन को मेरा टेलीग्राम चैनल पर मैं सजेस्ट करता रहता हूँ, जिससे कि सबको यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। कौन सी समय हमको कौन सी कॉइन के अंदर ट्रेड करना होता है और कौन सी समय हमको कौन सी कॉइन के अंदर से तुरंत ही प्रॉफिट बुक करके निकल जाना पड़ता है, सारी की सारी जो अपडेट्स है बिल्कुल फ्री में हमारा टेलीग्राम चैनल पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो आप डेफिनेटली हमारा टेलीग्राम चैनल को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर दी गई है। बात करते हैं आज की इस वीडियो की टॉपिक की। तो आज का जो वीडियो है, खास करके जितना भी क्रिप्टो ट्रेडर्स है, चाहे छोटे चाहे बड़े, चाहे आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करके रखा, तो कैसे सबको पता होगा कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट की तरफ से जो टैक्स को लेकर जो अपडेट कल की डेट में निकल के आया था। लेकिन कैसे आज के दिन में क्रिप्टो करेंसी टैक्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा हंगामा हो रहा है इंडिया के अंदर। यहाँ पर जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर लगा है 30% का टैक्स, दूसरी तरफ से यहाँ पर जो इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी को लीगल नहीं मान रहा, यानी कि हमको टैक्स भी देना पड़ेंगे जिस चीज़ के अंदर हम टैक्स भरे, और वो चीज़ इंडिया के अंदर लीगल भी नहीं है। तो उसको लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट है, लोगों का मन में काफ़ी ज़्यादा टेंशन है। लेकिन गाइस, आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रहा है, उसके पीछे रीज़न क्या है, सारी की सारी जो अपडेट्स है इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। तो गाइस, ये जो वीडियो होगा आपके लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो यहाँ पर होने वाला है, इस वीडियो को आप ज़रा सा भी स्किप मत करना। लेकिन गाइस, उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिए। गाइस, यहाँ पर हमको एक न्यूज़ देखने के लिए मिल रहा है, जो कि ये जो न्यूज़ है आप मान सकते हो कि यहाँ पर जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी ने यहाँ पर एक क्रिप्टो के ऊपर एक स्टेटमेंट जारी किया। ये जो स्टेटमेंट है मैं आपको यहाँ पर पूरी तरह से पढ़ के आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते कि गवर्नमेंट वो लेवी टैक्स ऑन क्रिप्टो एसेट नॉट RBI डिजिटल करेंसी। तो कैसे यहाँ पर जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगाए वो क्रिप्टो एसेट के ऊपर लगाए, यानी कि जो क्रिप्टो करेंसी जो हम अभी के टाइम में यूज़ कर रहे हैं इंडिया के अंदर, उसके ऊपर यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, ना ही यहाँ पर डिजिटल करेंसी जो कि यहाँ पर जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होगा CBDC, उसके ऊपर यहाँ पर गवर्नमेंट ने टैक्स नहीं लगाया। और गाइस, यहाँ पर नीचे की तरफ आप देख सकते हो कि ये करेंसी इज ए करेंसी ओनली व्हेन इट यूज बाय द सेंट्रल बैंक इवन इफ इट इज ए क्रिप्टो Anything outside of that loosely of refer them cryptocurrency are not a currency। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो निर्मला सीतारामन जी ने ये कह रहा है कि यहाँ पर जो क्रिप्टो करेंसी जो कि है वो जो क्रिप्टो है वो कोई करेंसी नहीं है। अगर यहाँ पर जो डिजिटल करेंसी जो होगा जो सेंट्रल बैंक की थ्रू यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा इंडिया के अंदर, वो एक करेंसी के रूप में यहाँ पर जो इंडियन गवर्नमेंट जो निर्मला सीतारमन जी है उसको यहाँ पर एक करेंसी हिसाब से मान सकते हैं। लेकिन कैसे ये जो क्रिप्टो एसेट है जो कि कैसे हम क्रिप्टो करेंसी जो हम बोलते हैं, तो वो जो क्रिप्टो जो वर्ड है जो क्रिप्टो है, क्रिप्टो को यहाँ पर जो इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर करेंसी के रूप में यहाँ पर नहीं देखता है। उसका मतलब ये कि जो क्रिप्टो करेंसी इंडिया के अंदर लीगल नहीं है। लेकिन गाइस, यहाँ पर आप मान सकते हो कि यहाँ पर जो अगर लीगल नहीं है तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने टैक्स क्यों लगाया है। लेकिन गाइस, यहाँ पर गवर्नमेंट का मतलब ये जो क्रिप्टो करेंसी है, जो क्रिप्टो करेंसी को लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं और लोगों ने हेवी अमाउंट को इंडिया के अंदर बहुत लोगों ने यहाँ पर जो करोड़ों रुपया क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर पैसा को इन्वेस्टमेंट करके रखा, और इसीलिए गाइस यहाँ पर जो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, इसीलिए पर जो गवर्नमेंट है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर यहां पर टैक्स लगाया। लेकिन कैसे अभी भी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई भी अपडेट निकल के नहीं आया जो कि यहां पर जो क्रिप्टो करेंसी को यहां पर एज ए लीगल टेंडर इंडिया के अंदर करेगा। लेकिन कैसे यहां पर जो क्रिप्टो करेंसी
तभी जाके यहाँ पर इंडिया के अंदर लीगल होगा, जब यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी की पूरी तरह से रेगुलेशन का बिल इंडिया के अंदर आएंगे और उसके बाद में हम यहाँ पर बोल सकते कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया के अंदर लीगल हो चुका है। लेकिन ये सब इस समय के बीच में कोई भी यहाँ पर जो लीगल है क्रिप्टो करेंसी नहीं हुआ, उसके अंदर जो 30% टैक्स लगाए वो टैक्स हमको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। लेकिन किस तरह से पे करना होगा ये सब कुछ के बारे में कल की वीडियो के अंदर मैंने पूरी तरह से आपको समझा चुका हूँ, कितना परसेंट का टैक्स है, ट्रांजैक्शन के ऊपर कितना परसेंट का टैक्स, सब कुछ मैं समझा के रहेगा। पिछली वीडियो नहीं देखा तो देख सकते हो, चैनल पर अभी भी अवेलेबल हो वीडियो, वहाँ पर जाके भी आप देख सकते हो। लेकिन किस आज की इस वीडियो के अंदर इमरजेंसी में इतना ही अपडेट था, आई होप कि ये जो अपडेट है आपको पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे और वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी के लिए इतना ही था, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू माई डियर फैमिली, ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रख।